नमस्कार, आप देख रहे हैं एमडीपी लाइव न्यूज, आपके साथ में मोहम्मद मिराज आलम। आइए नजर डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। बिहार के छपरा में अवैध शराब बिक्री का विरोध करने वाले जवान को बदमाशों ने पीटा, गंभीर हालत में अस्पतालों में किया गया भर्ती। बिहार विधान परिषद चुनाव, 9 सीट खाली, 9 ही है प्रत्याशी, सभी का निर्विरोध चुना जाना लगभग तय। अंतिम दिन एनडीए के 5 व कांग्रेस के 1 प्रत्याशी का हुआ नामांकन, राजद के 3 पहले ही नामांकन किए थे। कल हुए तेजस्वी के आक्रोश मार्च पर जदयू के मंत्री नीरज कुमार ने किया तंज, कहा लाखों की लग्जरी गाड़ी पीछे पीछे और लालबबुआ चले साइकिल पर होकर सवार। डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी ने किया राजद पर हमला, कहा कुर्सी के लिए इमरजेंसी और जेपी की मौत की जिम्मेवार कांग्रेस की गोद में बैठ गए हैं लालू प्रसाद यादव। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने किया मांग, सुशांत के नाम पर हो बिहार में बनने वाली फिल्म सिटी का नामांकन, साथ ही साथ उन्होंने सीबीआई जांच की भी किया है मांग। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण गंडक में 86,000 क्यूसेक पानी छोड़ा, बरौली मांझा और सदर प्रखंड में पानी फैला, लोगों में फैला खौफ। बिहार के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल की पत्नी को कोरोना संक्रमित बताकर सोशल मीडिया पर किया था पोस्ट, हुआ वायरल, 3 पर हुआ एफआईआर दर्ज। पटना में 13 समेत बिहार के 19 जिलों में 123 कोरोना पॉजिटिव मिले, राज्य में कोविड-19 संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 8,611। बिहार के बेगूसराय में एक अजीबोगरीब मामला आया सामने, एक नवविवाहित युवती अपनी सहेली से करती थी प्यार, शादी होते ही पति को कहा आपके साथ नहीं रहूंगी, मामला जब थाने पहुंचा तो पुलिस विभाग भी हो गए सकते में। बिहार में महंगा हो सकता है बस का सफर, 30% तक किराया बढ़ाने की है तैयारी, डीजल मूल्य वृद्धि को कारण बताया गया है। पटना में कोरोना संक्रमित स्वर्ण व्यवसायी की गई जाने, पटना के जेवर की दुकानें आज से रहेगी बंद। पटना में कोरोना महामारी की भेंट चढ़ा सावन मेला, नहीं लगेंगे झूले, हर साल इस मेले में करोड़ों रुपए का होता था कारोबार। उत्तर बिहार में हो रही बारिश, 7 वर्षों का रिकॉर्ड तोड़ने को है बेताब, 29 तक भारी बारिश की दी गई है चेतावनी। बिहार के भभुआ के कृषि विभाग के कर्मचारी से साइबर क्राइम के तहत 11 लाख रुपए ठगे, धनबाद से 4 लोगों को किया गया है गिरफ्तार। कोरोना लॉकडाउन में भूटान में फंसे बिहार के 116 लोग 6 बसों से पहुंचे किशनगंज। बिहार इस मौसम में बारिश के साथ आंधी तूफान और वज्रपात से अब तक 196 लोगों की गई जाने। टिड्डियों का दल पहुंचा बिहार, अधिकारियों की छुट्टी हुई रद्द, इसके लिए किसानों को बचाव के लिए किया गया एडवाइजरी जारी। इंद्रवज ऐप देगा ठनका गिरने का अलर्ट, आसमानी आफत से बचेगी आपकी जान, आपदा प्रबंधन विभाग ने ये ऐप जारी किया, इसे आप प्ले स्टोर से निःशुल्क डाउनलोड कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद धारा 370 हटने के बाद वहां के पहले अस्थायी निवासी बने बिहार के आईएएस अधिकारी नवीन चौधरी। बिहार के गोपालगंज में पुलिस को चकमा देकर अस्पताल से कैदी हुआ फरार, पुलिस प्रशासन में मचा हड़कंप। बिहार के मधेपुरा भूपेन चौक गोलंबर चौक पर ऑल इंडिया स्टूडेंट यूनियन के विश्वविद्यालय अध्यक्ष सौरभ कुमार व जिला अध्यक्ष राहुल कुमार के नेतृत्व में देश में बढ़े पेट्रोल डीजल के मूल्यों में बेतहाशा मूल्य वृद्धि के खिलाफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया। उत्तर बिहार में बाढ़ का बढ़ा खतरा, सभी जिलों में हाई अलर्ट जारी, मुख्य सचिव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लिया जायजा। विधान परिषद प्रत्याशियों के नामांकन के बाद मंत्री मदन सहनी ने भोज का किया आयोजन, कोरोना संकट में भी जदयू के कई नेता और कार्यकर्ता हुए इस मौके पर शामिल।
प्रशांत किशोर ने किया सीएम नीतीश कुमार पर तंज, कहा मुख्यमंत्री ने तय कर लिया है कि नहीं बढ़ाएंगे कोरोना जांच की रफ्तार। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, राजीव गांधी फाउंडेशन को चीन देता है पैसा, इसलिए राहुल गांधी चीन के साथ रहते हैं खड़ा। अगर आप हमारे इस खबर को YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन बटन को दबा दें। अगर आप हमारे इस खबर को Facebook पेज के माध्यम से देख रहे हैं तो Facebook पेज को लाइक कर दें ताकि सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। धन्यवाद।